अब दोस्तों देखिए मशीन निकलेगी इसके अंदर से, तो मशीन का जो फर्स्ट लुक है वो आपको देखने मिलेगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बंसीधर फैशन पॉइंट में। मैं आप सभी का दोस्त वीरू सिंह जाट। आज हमारे पास है लूके की इंडस्ट्रियल मशीन जो कि चाइना मशीन है, और यह मशीन बहुत प्यारी है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इसका एक वेरिएंट था हमारे पास जो अलग मॉडल था, ये रखा है, और अब हम इसका एक बड़ा मॉडल अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो मैंने इसका ऑलरेडी टेबल फिटिंग कर लिया है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि टेबल कैसे फिटिंग करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी और आप टेबल फिटिंग करना सीखना चाहते हैं तो मैं आई बटन पे आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फटाक से इस मशीन को करते हैं अनबॉक्स और रखते हैं इस पर और चला कर देखते हैं कि कैसी मशीन है, क्या क्वालिटी है, कैसी दिखती है, वो सारी बातें हम इस आगे वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मशीन का बॉक्स कुछ इस तरीके से था। पिछले बॉक्स में अगर आपने अनबॉक्सिंग देखी होगी तो मशीन का बॉक्स की हालत काफी बुरी थी, और ये मशीन का बॉक्स एकदम फ्रेश कंडीशन है और बहुत अच्छा है। तो देखिए इस पर लिखा है लूके स्विंग मशीन, इंटेलिजेंट इंटीग्रेटेड स्विंग मशीन। और ये मशीन कैसी है हम आगे वीडियो में जानेंगे। बाकी जो बॉक्स में मशीन बनी है वो तो बहुत ही शानदार मशीन है, और ये चाइनीज मशीन है ना कि जापानीज, और इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो जापानीज टेक्नोलॉजी है। इसका मॉडल नंबर है LK D1, तो मॉडल नंबर भी बॉक्स पर छपा होता है। और देखिए यहाँ पर एक QR है, तो QR की मदद से आप पता कर सकते हैं कि ये मशीन असली है या नकली है। ये चाइना में बनी हुई असली मशीन है, और अधिकतम मशीनें चाइना में ही बन रही है। सिर्फ टेक्नोलॉजी जापान की होती है, बाकी सारी मशीन बनती चाइना में है। तो देखिए ये बॉक्स के अंदर आधी चीजें हमने निकाल ली थी जिससे कि हमारा ये टेबल फिटिंग करना था। तो देखिए ये सारा हमने ऑयल टैंक वगैरह निकाल लिया था, और ऑयल टैंक कुछ इस तरीके से हमने पैक किया है। तो दोस्तों देखिए ऑयल टैंक कुछ इस तरीके से है, ये हमारी मशीन को रोकता है, ये भी हमने लगा दिया है, ऑयल टैंक लगा दिया है, ऑयल टैंक में सारी पैकिंग दे दी है, टोटल पैकिंग हमने दे चुके हैं। अगर आपको इसकी पैकिंग देखना है, स्टैंड की पैकिंग देखना है, मैंने आई बटन पर वीडियो डाल दिए, आप वहां पर जाके देख सकते हैं, मगर ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप वहां जाइए। दोस्तों ये है मशीन का रील स्टैंड, इस तरीके से आता है। ये मशीन का पावर केबल है, इससे मशीन में पावर दिया जाएगा। मेन जो केबल होता है ये वो केबल है। ये स्क्रू ड्राइवर दिया है इसमें, एक बिग साइज का दिया है, एक स्मॉल साइज का दिया है, एकदम सबसे छोटा साइज का दिया है। और ये रहा इस मशीन में डलने वाला ऑयल, तो ये ऑयल थोड़ा सा कम दिख रहा है मुझे, तो हमें एक्स्ट्रा ऑयल डालना पड़ेगा। तो इस तरीके से मशीन में एसेसरीज आती है, इसे अब हम अलग करते हैं। और देखिए इसमें आता है इस तरीके से मशीन का कवर, जो कि लूके ब्रांडिंग के साथ आता है। देखिए लूके लिखा हुआ है इस पर, इसे भी हम रखते हैं साइड में। इसमें दो पत्र लिखे हैं, मगर वो पत्र चाइनीस में है, तो हमें चाइनीस आती नहीं है, तो ट्रांसलेट का यूज करना पड़ेगा। तो इसे अभी हम रखते हैं साइड में, बाद में उसके बारे में जानेंगे। अब दोस्तों देखिए मशीन निकलेगी इसके अंदर से, तो मशीन का जो फर्स्ट लुक है वो आपको देखने मिलेगा। बहुत ही सुंदर और शानदार मशीन है। तो दोस्तों इस तरीके की ये मशीन है, बहुत ही सुंदर है। अब हम बॉक्स में से मशीन को बाहर निकालेंगे, तो ऊपर से ये मशीन इस तरीके से दिख रही है। तो अब हम फटाक से निकालते हैं इसे बाहर। दोस्तों पन्नी निकालते हैं पहले, और इसे निकालते हैं हम बॉक्स में से बाहर। तो वजनदार मशीन होती है, तो इस तरीके से हम इसको इस पर रख देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये मॉडल आता है, जो कि बहुत ही शानदार आता है ये मॉडल, और दिखने में काफी सुंदर ये मॉडल दिख रहा है। दोस्तों लूके मशीन दिखती है कुछ इस तरीके से, इसका मीटर बहुत ही सुंदर दिख रहा है, ब्लैक कलर में इसका पूरा मीटर बनाया हुआ है, और ये लीवर भी बहुत स्मूथ है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि लीवर बहुत हार्ड था, मगर इसका लीवर बहुत स्मूथ है, और ये चीज भी बहुत अच्छी दी गई है। और यहाँ पर सारा काम स्टील में किया गया है, बहुत ही अच्छी तरीके से बॉबिन वाइंडर ये सारी चीजें बनी हुई है। दोस्तों मशीन का केबल कुछ इस तरीके से है, जो कि इसमें तीन पॉइंट बने हुए हैं, जो कि रिसीवर है, ये करंट रिसीव करेंगे। और देखिए इसका जो केबल है, केबल में भी कुछ तीन होल इस तरीके से हैं। तो देखिए इसमें आधा चांद बना है, और यहाँ पर एक छोटा सा उभार दिया गया है,
तो इन दोनों चीज़ों को इस तरीके से मिलाएंगे, देखिए ऐसे, और इसे पैक कर देंगे। और देखिए यहाँ पर एक ढक्कन है जो टाइट हो जाएगा इस तरीके से, और केबल आपस में अच्छी तरीके से अटैच हो जाएगी। अब जो हमारी मेन एक केबल आ जाती है जिससे कि मशीन को हम स्पीड देंगे, वो केबल यहाँ पर है नीचे, देखिए इस केबल को हम ओपन करेंगे और यहाँ से निकालेंगे केबल। और देखिए यहाँ पर एक कनेक्टर दिया गया है छोटा सा, देखिए मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे दो कनेक्टर है, एक एक नीचे वाला जो कनेक्टर है इसमें हम इस कनेक्टर को मिला देंगे। तो देखिए कनेक्टर को मिलाना बहुत ही आसान है, पहले हम इसका रबर ग्रिप निकाल लेते हैं इस तरीके से, और इस कनेक्टर को यहाँ पर देखिए एक लॉक बना हुआ है, ये लॉक यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे और ऐसी आवाज आएगी, देखिए ये लॉक लग चुका है। और ये रबर क्लिप को हम बराबर लगा देंगे ऐसे, ये लगा दी। यहाँ पर भी देखिए इसी तरीके से कनेक्टर को लगाएंगे, यहाँ पर एक लॉक बना हुआ है, और ये लगने के बाद हम ये रबर ग्रिप को इस तरीके से लगा देंगे। और ये देखिए इसका ऑन ऑफ का बटन पीछे दिया गया है, जैसा कि इसके पहले मॉडल में था उसी तरीके से इस मॉडल में भी ऑन ऑफ का बटन पीछे दिया गया है। मशीन की सारी चीज़ें इस जगह पर लिखी हुई है, जैसा कि देखिए एसी सर्वो कंट्रोल सिस्टम, तो यहाँ लिखा हुआ है, ये वॉट लिखा हुआ है, सारी चीज़ें इस पर लिखी गई है। अगर आपको देखना है तो आप वीडियो को पॉज करके अच्छी तरीके से देख सकते हैं। दोस्तों देखिए लूके का ब्रांड इस पर भी उभरा हुआ है, जैसे कि इसके जो एम्बॉस है उसमें भी लूके ब्रांड उभरा हुआ है। तो ये रील स्टैंड इतना बढ़िया है इसका, देखिए बहुत अच्छा दिखता है। अब हम मशीन को देते हैं पावर और मशीन को करते हैं ऑन, मशीन का लुक देखते हैं, फर्स्ट लुक आपको देखने मिलेगा कैसा है। तो इसका मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बटन पीछे है, तो हमने ये बटन ऑन किया, इस तरीके से ये मशीन चालू हुई, उसने राउंड लिया। यहाँ पे जो LED मोड है वो देखिए कम ज़्यादा होता है, ये यहाँ पे रिवर्स फॉरवर्ड के लिए भी दिया गया है चलते में होने के लिए। तो ये देखिए इस तरीके से इसमें बटन दिए गए हैं, और LED का कुछ इस तरीके से बटन दिया है, तीन मोड दिए हैं कम ज़्यादा, ये इस तरीके से काम करता है। और ये जो लीवर है बहुत ही अच्छा और स्मूथ लीवर है, बहुत स्मूथ है। और देखिए यहाँ पर भी लूके का ब्रांड नेम यहाँ पे दिया है, और ये भी एम्बॉस पे उभरा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर इसका मॉडल नंबर सारी चीज़ें दी गई है। अब दोस्तों मशीन को चलाकर देख लेते हैं कि किस तरीके से मशीन चलती है और आवाज़ किस तरीके से करती है। दोस्तों देखिए यहाँ से हम धागा निकालेंगे इस तरीके से ऐसे, और यहाँ से निकालने के बाद बॉबिन में लगाएंगे इस तरीके से ऐसा, और यहाँ पे बॉबिन वाइंडर में लगा के इसे इस तरीके से प्रेस करके धागा लगा देंगे। और यहाँ पर एक कटर दिया रहता है, तो कटर की मदद से हम धागा कट कर देंगे। अभी हमने इसमें ऑयल नहीं दिया है तो थोड़ी सी ये आवाज़ करेगी। और यहाँ पर बॉबिन कैसे लगाते हैं वो तो आपको पता ही है, बॉबिन लगाएंगे और फटाक से यहाँ से धागा निकालेंगे। तो जैसा धागा निकालते हैं उसकी भी वीडियो मैंने बताई है कि धागा किस तरीके से निकाला जाता है, तो यहाँ से हम फटाफट धागा निकाल लेंगे। ऐसे, और हम सुई में से निकाल लेंगे। इस तरीके से। और देखिए धागा यहाँ से निकाल कर अब हम इसकी सिलाई देख लेते हैं कि कैसे सिलाई करती है ये। दोस्तों देखिए कंपनी का नाम, यहाँ पे कंपनी का नाम, मॉडल नंबर, और ये मेड इन चाइना। और देखिए देखिए दोस्तों सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन, मॉडल नंबर LK D1, और देखिए यहाँ पर नेम इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन, CE सर्टिफिकेशन, प्रोडक्शन डेट वगैरह सारी चीज़ें इस पर QR वगैरह दी गई है। और अगर आपको यह मशीन लेना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर प्रोवाइड करा दूंगा, और इसका नंबर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो नंबर पे भी आप कांटेक्ट करके ये मशीन ले सकते हैं। अब देख लेते हैं हम ये मशीन सिलाई कैसी करती है। दोस्तों अब हम सिलाई लगाते हैं इसके कपड़े पर, देखते हैं कैसी चलती है ये। दोस्तों कपड़े पे इस तरीके से ये सिलाई लगा रही है, बहुत ही सुंदर और बढ़िया फिनिशिंग में सिलाई लगा रही है। हम इसकी सेटिंग भी कर लेंगे, क्योंकि
क्योंकि अभी बिना सेटिंग के हम मशीन चला रहे हैं। तो दोस्तों देखिए इसकी सिलाई कुछ इस तरीके से आ रही है, बहुत ही फिनिशिंग में सिलाई आ रही है, सुंदर सिलाई दिख रही है। एक और सिलाई लगा के देख लेते हैं हम। यहाँ से आपका हैंडल चेंज हो जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पर एक ऊपर कटर दिया गया है, उसके बारे में हम आगे जानेंगे कि कटर किस तरीके से काम में लेना है। तो देखिए इसकी सिलाई बहुत ही सुंदर है और अच्छी है। मीटर देखिए इस तरीके से वर्क करते रहता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये छोटी सी अनबॉक्सिंग पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि ये मशीन कैसी है, इसकी क्वालिटी क्या है, सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो मिलते हैं जल्दी इसके नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय बाय।